हाँ तो दोस्तों अपना खाना हो गया, अब चलो इसको पहुंचा देते हैं लोकेशन पे। देखो दोस्तों ये केक है, मैडम का बर्थडे था, आधा काट के दे दिए हैं। तो ये है नया वाला फार्म हाउस, देख रहे हो पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है, घास, प्रोजेक्टर है, अपना फिल्म देखेंगे दीवार पे। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या खाना मिला है। ये है मैक्रोनी, तो ये शाम को खाऊंगा, नाश्ता करूंगा, बाकी ये है खाना। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है, और आज क्या ड्यूटी रहता है मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज क्या होने वाला है, तो देखेंगे। बाकी बिना देरी करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो अभी ये छोटी वाली मैडम का गाड़ी लेके आया हूँ क्लीन करवाने के लिए, क्लीन हो जाए फिर पहुँचाऊँगा मैं। तो मैडम ये धुलने के लिए बोली थी, तो इसका एक्स्ट्रा 10 रियल लगेगा, तो धुल रहा है अभी। तो पानी और साबुन से हो गया, और बाहर धूप है तो यहीं पे अपना पानी साफ कर रहे हैं कपड़े से। तो दोस्तों दोपहर के 3 बजे रहा, अपना गाड़ी क्लीन हो गया, सब अच्छे से देख रहे हो। चलो अब चलते हैं, पहुंचा देते हैं इसको। तो कार क्लीन करवा के लेके आ गया मैं इधर कफिल के घर के बाहर। देखो ऐसे ही स्टैंड में ढूंढ रहा हूँ, मगर ये स्टैंड 50 रियल, 60 रियल, 100 रियल ऐसा आ रहा है। बाकी 3:13 हो गया है, और अब असर का अजान होने ही वाला है, तो कफिल के वाइफ को मदरसा छोड़ने के बाद ही जाऊंगा, इधर ही रुकूंगा तब तक। तो मैडम को छोड़ दिया मैं मदरसे में, अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे, और जब मैडम बुलाएगी तो आऊँगा लेने। तो अभी 5:18 हो रहा है, मैडम फ़ोन करके बुला ली है, वो मदरसे में खलास हो गया। तो दोस्तों मैडम को मदरसे से ला कर मैं छोड़ दिया कपिल के घर पे, अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। तो देखो मौसम कितना सुहाना बना है, लगता है बारिश आएगा। तो कपिल का वाइफ फ़ोन करके बुला ली कि घर पे आओ, गैस डलवाना है। तो दोस्तों आके मैं इधर खड़ा था, तब तक ये कपिल का बड़ा वाला लड़का आया, ये काम पकड़ा दिया, ये पूरा सामान उतार के उधर के रूम में रखना है, कैंपिंग करने गया होगा रात को, तो इसमें भरा होगा, अब निकालो मैं। तो दोस्तों ये खाना मिला है मेरे लिए, बाकी वो प्लेट मिला है, साहन वो पहुंचाना है होटल में, पीछे गैस है छोटा छोटा दो, उसको भरवाना है। तो अभी चलो इसको पहुंचा देते। तो दोस्तों पहुंच गया मैं ये होटल में, मताम रोबी। चलो ये प्लेट लेके उधर अंदर चलते हैं। तो दोस्तों वो सैनी मैंने दे दिया, अब ईसा बाद आना है, और बाकी देखो ये गैस डलवाना है। तो अभी चल के चेक कर लेता हूँ रास्ते में, अगर खुला होगा इधर वाला तो ठीक है। तो दोस्तों ये वाला तो खुला है, चलो यहीं पे डलवा लेते हैं अपना गैस। तो अभी कफिल बोला है गैस डलवाने के बाद घर पे ला के अभी पहुँचा के जाओ वो गैस। तो ये गैस डल चुका, चलो इसको पहुँचा देते हैं अभी कफिल के घर पर। तो आ गया मैं कफिल के घर के बाहर, ये गैस दे देता हूँ। तो गैस मैंने दे दिया कफिल के घर पे, अब चलो चलते हैं अपने रूम पे। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या खाना मिला है। ये है मैक्रोनी, तो ये शाम को खाऊंगा, नाश्ता करूंगा, बाकी ये है खाना। जब मैं उस समय गया था वो गैस लेने और खाना लेने, तो कफिल के बड़े वाले लड़के ने ये सामान दिया था, देख रहे हो ये वाईफाई है शायद। तो ये कफिल के छोटे वाले लड़के के फार्म हाउस में पहुँचाना है, वो जिधर हम लोग पहले रहा करते थे मैं और जमील, उधर ही की तरफ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसको पहुँचाने के लिए, इसको जाके पहुँचा देता हूँ। तो देखो दोस्तों मैं वहाँ तक पहुँच गया जहाँ मेरा पुराना वाला रूम था, मेरा और जमील का। देखो ये है वो, ये वाला मकान है, देखो ये गेट के अंदर हम लोग रहा करते थे। इसके और आगे है 2 गली छोड़ के वो कफिल के छोटे वाले लड़के का फार्म हाउस। पहले तो पुराना वीडियो अगर देखोगे तो उसमें मैं दिखा रखा हूँ कई बार, इस बार मैं पहली बार जा रहा हूँ 1 साल बाद। तो देखो इधर मैं पहुँच गया, ये जब से छुट्टी काट के आया हूँ पहली बार इधर आया हूँ, नहीं तो पहले तो हफ्ते में 1-2 बार इधर आना जाना लगा ही रहता था मेरा, हफ्ते में 1-2 बार मैं आ ही जाता था। देखो ये है वो फार्म हाउस,
बदल गया, पेंट वगैरह हुआ है बाहर का। तो इधर आकर मैं कब से खड़ा हूँ, इसके अंदर बंगाली है, वो खोल ही नहीं रहा है, लगता है सो रहा है। तो अभी मैं फ़ोन करके बोला हूँ कफिल के लड़के को कि उससे फ़ोन करके बोलो गेट खोले, तब मैं वो सामान दूँ। देखो 5 करोड़ के गाड़ी में ये एक छोटा सा सामान देने आया हूँ मैं। तो दोस्तों उस समय मैं बोला था ना कि वाईफाई है, ये वाईफाई नहीं है, प्रोजेक्टर है, अपना फिल्म देखेंगे दीवार पे। तो दोस्तों ये वाले फार्म हाउस में नहीं देना है, कोई नया फार्म हाउस लिए हैं वो लोग, और मुझे क्या मालूम 1 साल बाद मैं इधर आया, तब लोकेशन भेजे हैं, फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो चलो वहाँ चल के दिखाता हूँ कौन सा नया फार्म हाउस है। ये पहुँच गया मैं यहाँ पे, ये है अपने शोएब भाई, देखो वो अपनी छोटी वाली मैडम की गाड़ी। तो चलो अभी सामान दे देता हूँ मैं। वही कौन चला रहा है ये? मैं चला रहा हूँ, जब से लिया हूँ तब से करीब 25 बार सनैया गया हूँ। हाँ मैं कई बार देखा हूँ सनैया में इसको, वो हमें तो सनैया में ही खड़ी रही। हाँ खराब है, वो नहीं ले ली है। ये है नया वाला फार्म हाउस, देख रहे हो पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है, घास। ये इधर चाय गवा मिलता है, देखो टीवी चाय गवा सब। तो अभी इधर आया हूँ मैं, तो खजूर गवा चाय वगैरह पी रहा हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा। तो देखो दोस्तों ये रहता है इन लोगों का फार्म हाउस छोटा मोटा। तो दोस्तों निकल रहा हूँ मैं, दे दिया अपना वो प्रोजेक्टर, बाकी अब जा रहा हूँ अपने रूम पे। और देखो और कोई ड्यूटी आएगा शाम तक तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, नहीं तो फिर ईसा बात तो जाना ही है वो खाना लेने, और खाना लेके कहाँ पहुँचाने जाना है वो रात को ही पता चलेगा। मैं इधर पहुँच गया अपने रूम पे, जा रहा हूँ रूम पे रहूँगा, फिर इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों अभी ये मैं कोरोना समय नाश्ता कर रहा हूँ, क्योंकि खाना पहुँचाने के बाद ही मैं खाना खा पाऊँगा, तो टाइम हो जाएगा 10-11 बज ही जाएगा, तो इसीलिए नाश्ता वगैरह करके रेडी रहता हूँ मैं। तो दोस्तों 7:48 हो रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ वो होटल में, वो होटल यही रोड के लास्ट में है, और खाना लेके फिर कफिल से लोकेशन मंगाता हूँ कहाँ पहुँचाना है पता नहीं, अभी तक लोकेशन आया नहीं है। तो चलो चलते हैं जल्दी सा, ईशा का नमाज ख़त्म हो चुका। तो आ गया मैं ये होटल में, चलो देखते हैं रेडी है कि नहीं। तो अभी 5 मिनट टाइम है रेडी होने में। तो दोस्तों अपना लोकेशन आ चुका है, 23 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहाँ पे ले जाके देना है इसको। तो 220 रियल का बिल बना है, मुर्गी है बस, मटन नहीं है इसीलिए इतना कम है। हाँ तो दोस्तों अपना खाना हो गया, अब चलो इसको पहुँचा देते हैं लोकेशन पे। तो क्योंकि अभी लोकेशन से जाना है तो मैं आप लोगों को सीधे वही लोकेशन पे चल के मिलता हूँ, वहीं पे आप लोगों को डायरेक्ट बताऊँगा कहाँ का लोकेशन है। तो दोस्तों पहुँच गया मैं, ये है रिपकान, यही फार्म हाउस है, यहीं पे पार्टी चल रहा है। देखो ये रहा अपना कफिल का गाड़ी, निशान पेट्रोल। तो चलो अपना खाना सही सलामत है, और बहुत ही दूर है एकदम, 23 किलोमीटर यहाँ का बहुत दूर होता है, एकदम आउट एरिया में आ गया हूँ मैं। तो देखो दोस्तों ये है वो फार्म हाउस, खाना दे दिया मैंने, और बाकी ये मुझे मिला है चावल वगैरह है कि, ये चेक कर लेते हैं, चावल नहीं है, ये सब केक वगैरह, और ये केक वगैरह है सब। तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका था तो मैं कफिल से पैसा मांगा, अभी इधर से डलवा लेते हैं चल के। तो देखो 50 रियल के डलवा रहा हूँ मैं। तो पेट्रोल डल चुका, अब हाईवे पकड़ते हैं सीधे घर पे। तो दोस्तों रास्ते में ही जमील का घर पड़ रहा था, तो मैं सोचा चलो इधर घूम लेते हैं, ये केक वगैरह थोड़ा खिला देंगे जमील को। ये सामने बैठे हैं अपने दूसरे भाई साहब महाराष्ट्र वाले। तो ये अपने जमील भाई मिल गए जमील भाई, देखो केक वगैरह खाओ जमील भाई। केक? हाँ देखो दोस्तों ये केक है,
मैडम का बर्थडे था। हाँ मैडम का बर्थडे था, आधा काट के दे दिए हैं। तो अभी जमील भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगा और इनके रूम पार्टनर भी खा लेंगे। देखो जमील यहीं पे शुरू हो गया है केक खाने लगे यहीं पे। तो देखो इतना सारा केक मैं अकेले नहीं खा पाता, इसीलिए मैं सोचा कि चलो जमील वगैरह भी खा लेंगे और क्या। तो चलो जमील को जितना केक खाना था मैंने खिला दिया यहीं पे, वो काम चल रहा है, कफील है उधर सामने, इसीलिए बोल रहा है कि तुम चले जाओ तो मैं जा रहा हूँ, बाकी अपना ये केक वगैरह लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत खाऊँगा नहीं तो बांट दूँगा। मैं ये मीठा वगैरह खाता हूँ तो गला ख़राब हो जाता है, इसलिए सोचा था कि चलो जमील और उनके रूम पार्टनर को खिला देता हूँ थोड़ा बहुत। तो दोस्तों 9:38 हो रहा है, मैं इधर पहुँच गया। बाकी आज खाना मैं यही खा लूँगा, देखो ये सैंडविच वगैरह है देखो, तो यही सब खा के मैं सो जाता हूँ, बहुत है सैंडविच और केक।